आपका हमारे चैनल में यानी सीमाज खाना में। और आज हम बनाने वाले हैं एक मलाई कढ़ी। तो हमें एक मलाई कढ़ी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आइए एक झलक देखते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं। मलाई एक कढ़ी बनाने के लिए हमारे पास है उबले हुए अंडे। हमने 6 अंडे को उबाल के बीच से कट करके रखा है और यहाँ पे लिया है हाफ कटोरी, यानी बड़े चम्मच से देखा जाए तो 2 से 3 चम्मच होगा मलाई हमारे पास। कुछ सूखे मसाले हैं, एक जो हाफ टी स्पून हमने यहाँ पे जो है लाल मिर्च पाउडर से कलर के लिए ऐड किया थोड़ा सा, और यहाँ पे हमने लिया है ये गरम मसाला 1 चम्मच, 1/2 चम्मच काले मिर्च पाउडर, हाफ और ये अपना स्वाद के अनुसार डालते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं इसलिए मैं 1/2 चम्मच ली हूँ, और 1 चम्मच है धनिया पाउडर। और हमारे पास है मलाई एक कढ़ी बनाने के लिए मिल्क, ये मलाई वाला मिल्क है। और हमारे पास है यहाँ पे 2 ओनियन ये ग्रेवी के लिए, और यहाँ पे है हमारे पास 3 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच टुकड़ा अदरक का जो हमने पीसेस में कट करके रखा है। तो सबसे पहले हम एक जार लेंगे और इसके अंदर जो है ग्रेवी बनाने के लिए फटाफट जो है प्याज को कट करके डाल देंगे। हमने ये जार ले लिया है, इसके अंदर प्याज कट करके डाल लिया है और हम ये डाल लेंगे हरी मिर्च। ये तीखापन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना तीखा पसंद है। हमने यहाँ 3 हरी मिर्च लिए, मैं 1 स्किप कर रही हूँ, 2 ही डाल रही हूँ, ज़्यादा तीखा है आँख में लग रहा है ये, इसलिए मैं 2 ही डाल रही हूँ इसके अंदर। और अदरक की कुछ कलियाँ हैं हमारे पास, सॉरी कलियाँ जो है लहसुन का, हमने जो है एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लिया है, इसे हम साइड करेंगे। और हमने रखा है यहाँ पे पैन, पैन को गर्म होने देंगे। अंडा को हमें जो है हल्का फ्राई करना है, आपका चॉइस है, यहाँ पे आप चाहे तो फ्राई कर सकते हैं, मैं डाल रही हूँ इसके अंदर देसी घी, आप चाहे तो इसे बटर में भी कर सकते हैं। और अंडे को थोड़ा सा मैं जो है फ्राई कर लूँगी, उसके लिए ऐसे एक कढ़ी में, बट मैं अंडा हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसको हल्के हाथों से जो है पलट लेंगे, इधर से थोड़ा सा सेक लेंगे, ये देखिए ये आपका चॉइस है, आप चाहे तो एक को ऐसे भी इसमें कवर कर सकते हैं। दोनों तरफ से हमारा अंडा जो है थोड़ा सा फ्राई हो गया है गोल्डन कलर का, तो अभी से हम बाहर निकाल लेंगे। इसमें हम डाल लेंगे 1 से 2 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं और इसमें तेल हमारा गर्म हो गया है, थोड़ा सा डाल देंगे जीरा, जीरा को तड़क जाने देते हैं, इसके अंदर डाल देंगे अब सारा प्याज। अच्छे से जो है ये भून गया है, इसको कम से कम 5 मिनट अच्छे से भूने, जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे इसमें डाल देंगे सूखा मसाला। और थोड़ा सा 1 से 2 बूंद पानी और इसे पका लेंगे। हमारे अच्छे से पक गया है, फ्लेम को हमने काफ़ी सिम कर लिया है, बिल्कुल लो पे है। अब डाल लेंगे इसमें दूध, आपको कितना ग्रेवी इसमें मैं थोड़ा सा और डालूंगी क्योंकि हमें ये थोड़ा थिक लग रहा है। लगभग 1 कटोरी जो है हमने इसमें दूध ऐड किया है, अब ये बिल्कुल सफिशेंट है जितना चाहिए, क्योंकि ग्रेवी तैयार होते होते थोड़ा सा दूध पक के थोड़ा कम भी होगा और गाढ़ा भी होगा। इसे चलाते हुए धीरे धीरे लो फ्लेम पे एक उबाल आने देते हैं।
ग्रेवी में एक बहुत ही बढ़िया उबाल आ गया है। इसे एक बार घुमा के देखते हैं, बिल्कुल थिकनेस आ गया है इसके अंदर। हमारा ये ग्रेवी तैयार है, इसके अंदर हम डाल देंगे इसे ऐसे करके। बहुत ही बढ़िया बन के अब रेडी। इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। हमने यहाँ एक चम्मच, छोटे वाले चम्मच से नमक ऐड किया है। वैसे इसमें नमक बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये जितना कम रहेगा टेस्टी लगता है ना, ज़्यादा ना कम। अगर थोड़ा सा भी नमक इसमें ज़्यादा हो गया ना तो एक मलाई कढ़ी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब दूध में बनता है और ऐसे ही वो थोड़ा कम नमक हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हमारा नमक इसमें आके मिल गया, इसे हम ढक लेंगे और मात्र एक मिनट के लिए इसे पकने देंगे। एक मिनट हो गया है, इसे चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नाइस हो गया है ये। ये देखिए बहुत अच्छे से जो है पक गया है। इसे थोड़ा ऐसे पलट लेंगे। धीरे धीरे हाथों से ऐसे पलटी दे दे इसको। इसके बाद हम डालेंगे एक मलाई में मलाई। और इसके साथ इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता फ्लेवर के लिए। और इसे हम थोड़ा ढक लेते हैं और चलते हैं इसे सर्व करने। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो लीजिए, हमने फटाफट एक मलाई कढ़ी बना के आपके सामने रेसिपी रखा है और बहुत अच्छा, बहुत उम्दा स्वाद होता है। ज़रूर इस रेसिपी को जो है आप अपने घर में बनाए खाएं और हमें कमेंट करने नहीं भूले, क्योंकि आपका कमेंट्स हमें जो है अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले, क्योंकि आगे का जो अपडेट होगा वीडियो के आपके पास आसानी से पहुँचे। और कमेंट करना नहीं भूले, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।